जब हम वाटर कलर करते हैं या पोस्टर कलर करते हैं तो दोनों ही उसमें हमको एक पर्टिकुलर शीट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम वो शीट नहीं लेते हैं तो हमको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो क्या रीज़न होता है और क्यों हमको इतने पैसे खर्च करने चाहिए महंगी शीट के ऊपर जिनका GSM ज़्यादा होता है? कुछ ना तो कुछ तो रीज़न होगा ना। तो अगर आप पोस्टर कलर करते हैं या वाटर कलर, तो ये वीडियो आपके लिए चलिए, यहाँ हेल्पफुल पर है। मैं आप लोगों के साथ आज बात करने वाली हूँ कि जो शीट, जो पेपर बना हुआ नहीं है उस मीडियम के लिए, उसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हमको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप में से कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हैवी ड्यूटी पेपर चल जाएगा, या जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं स्टूडेंट्स वो भी शुरुआत में यही बोलते हैं कि मैम नॉर्मल शीट चल जाएगी, ड्राइंग पेपर चल जाएगा क्या? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये चीज़ कि हमको लगता है कि हम इतना महंगा पेपर क्यों बाय करें, है ना? क्योंकि हम एकदम बिगनर हैं तो हमको लगता है कि हम इतना महंगा पेपर क्यों बाय करें, पहले हम नॉर्मल शीट के ऊपर ही सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है जो शीट है वो बाय कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगी कि ये वाला जो शीट आप देख रहे हो ये है 300 GSM, और ये वाला जो शीट है ये आप देख रहे हो ये है नॉर्मल शीट, जो कार्ट्रिज शीट आती है या आइवरी शीट बोल के लेते हैं हम जिसको मार्केट में, वो है ये। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से ये दोनों पेंटिंग्स बनी हैं। आउटकम आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि इसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, थोड़ा पास से देखेंगे तो और ज़्यादा आपको पता चलेगी क्लैरिटी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मैं इसमें कुछ लेयर्स लगाती तो मुझे रिजल्ट्स मिल जाते, बट ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही थी तो फिर मैंने इसको यहीं पर रोक दिया क्योंकि मुझे इसको दिखाना था आप लोगों को, तो इस वजह से। तो ये जो है ये मैंने किया है नॉर्मल आइवरी शीट के ऊपर का, ठीक है, और आपको ये जो मैं दिखाऊंगी ये वाला मैंने किया है 300 GSM, 300 GSM का जो पेपर है वो मैंने यहाँ पर यूज करा है इस वाटर कलर पेंटिंग के लिए। तो डिफरेंस देखो आप देख पा रहे हो, है ना? ये वाले रिजल्ट्स मुझे सेम, मैंने इसके अंदर जितना लेयरिंग किया उसी में मुझे उतना ही लेयरिंग मैंने इसमें किया, मैंने इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट्स आप देखो कितने अच्छे आए हैं, कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए हैं ना। यहाँ पे देखो आप बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर हमको पेंटिंग मिला है। तो अभी हम देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जब मैंने ये पेंटिंग करनी शुरू करी थी तो ये मैंने नॉर्मल शीट के ऊपर पेंटिंग करनी शुरू करी, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए एक डेमो बनाना चाहिए जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता सकूं कि एक नॉर्मल शीट पर जब हम काम करते हैं तो नॉर्मल शीट हमको फ्रीडम नहीं देती है काम करने की। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, जब हम वाटर कलर करते हैं तो हम पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, लेयरिंग भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा लेयरिंग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमको ब्लेंडिंग भी करना पड़ेगा। तो जब हम ब्लेंडिंग के लिए पानी लेंगे या ब्रश को बार बार रगड़ेंगे तो हमारी जो शीट है अगर उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ वाली जो आइवरी शीट होती है वो यूज़ कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर आप देखिए कि मेरा जो हाथ है वो रुक जाता है। कारण यही है कि यहाँ पर शीट हमको सपोर्ट नहीं करती। हालांकि मैं इसके अंदर और लेयर्स ऐड करती तो मुझे जो है मेरे रिजल्ट्स मिल जाते, लेकिन मैंने इसको पेंटिंग को रोका आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक जब आप एक्सीलेंस लेवल पर आ जाते हो तब चीज़ें मैटर नहीं रखती हैं, तब फिर आप इन इसको किसी भी तरह फिक्स कर सकते हो। लेकिन अभी आप एक्सेलेंट लेवल पर नहीं हो, आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कॉस्टली ज़रूर आती है। जो दूसरी शीट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 30 रुपीज़ की शीट, सेम साइज़ है ना, 10 रुपीज़ और 30 रुपीज़ में फ़र्क है। तो जब हम एक्सपेंसिव शीट यूज़ करते हैं, महंगी शीट यूज़ करते हैं, तो क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। साथ में जब हम स्पेसिफिक जैसे वाटर कलर के लिए वाटर कलर शीट्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए GSM बढ़ा हुआ होता है। GSM बढ़ा हुआ होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जब हम लेयरिंग कर रहे हैं तो लेयरिंग करते समय हमको वो फ्रीडम दे रहा है
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेयरिंग कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पेंटिंग के ऊपर लेयर करके उस पर काम करके उसको और अच्छा बना सकते हो, है ना। तो हमको तो यही चाहिए, क्योंकि अगर हमको ये नहीं चाहिए होता तो हम लेयरिंग नहीं कर पाते और हम हमारी पेंटिंग को आगे नहीं बढ़ा पाते, पेपर फट जाता। पेपर फटने के बाद वैसे ही पेंटिंग बेकार हो जाती है, काम करने का मन ही नहीं करता। तो ये रीज़न रहता है कि हमको ज़्यादा GSM की शीट को चॉइस करना चाहिए। डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि शीट एक्सपेंसिव आती है, एज अ बिगनर हम नहीं खर्च करना चाहते ये चीज़, बट आप दोनों साइड काम कर सकते हो, इसका फ़ायदा हमको मिलता है। अच्छा, पोस्टर कलर अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है 300 GSM शीट की, फिर आप नॉर्मल आइवरी शीट या कार्ट्रिज शीट या हैवी चार्ट पेपर वाली शीट पर काम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम वाटर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये फ़र्क रहता है। अब ये वाली जो मैं पेंटिंग आप लोगों के सामने बना रही हूँ, इसमें हमने देखिए अभी काफ़ी सारी लेयर्स ऐड कर दी हैं और इसमें पानी यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत ही प्यारा रिजल्ट निकल के आया है। टाइम मैंने अराउंड दोनों पेंटिंग्स को बराबर दिया, इसको फिनिशिंग टचअप्स ज़्यादा दिए क्योंकि इसको फिनिश करना था मुझे, उसको मैंने फिनिशिंग टचअप्स नहीं दिए क्योंकि इस पेंटिंग को मैंने बीच में ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो ट्रंक हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी पहले हमने पानी लगाया, फिर हम बर्नसियाना यूज़ कर रहे हैं, रॉम्बर यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से हम लेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ। इनकेस आप वाटर कलर ज्वाइन करना चाहते हैं, मंथली क्लासेस अवेलेबल हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा जिस पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं और मंथली क्लासेस ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम फाइनल टचअप्स दे देते हैं पेंटिंग में तो पेंटिंग के अंदर लुक ही बदल जाता है। तो यहाँ पर पेंटिंग जो है बिल्कुल एंड पर आ चुकी है और इसका फाइनल टचअप्स देखिए कैसे लग रही है। पहले तो थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो, और फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर